हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने बालों को कलर करने जा रही हूँ, वो भी घर पर। और काफ़ी समय से मेरे बालों का कलर सेम एज इट इज़ मुझे खुद को भी देखकर थोड़ा सा बोरियत हो रही थी, तो हेयर कलर करना तो बनता ही है, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है। और साथ ही साथ अगर बालों में कोई भी सफ़ेद बाल है तो वो भी कलर हो जाएगा, राइट। तो मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ लॉरियल पैरिस का कास्टिंग क्रेम ग्लॉस कंडीशनिंग कलर। तो शेड मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ 316 बर्गंडी। वैसे इसमें बहुत सारे शेड्स के ऑप्शंस है। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कलर कि ये नो अमोनिया है, रिच अल्ट्रा ग्लॉसी कलर है, क्रीम बेस्ड फॉर्मूला है और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। इट कम्स विद द ऑप्टिमल ग्रे कवरेज एंड लास्ट अप टू 28 शैम्पूज। मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 28 शैम्पूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना, मोर देन 2 मंथ्स। सो रूट टचअप के साथ ना बालों को एक न्यू कलर भी मिल जाएगा। एंड ऑल्सो इट हैज़ शाइन मास्क विथ रॉयल जेली। इट मीन्स कि ये ना बालों के लिए एक ऐसा मास्क होगा जो बालों को शाइनी भी बनाएगा। सो बिकॉज ऑफ शाइनी मास्क ना बाल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और आई एम डैम श्योर काफ़ी शाइनी लगने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस बॉक्स जिसे आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके ऊपर इनफ इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिलने वाली है। लॉरियल पैरिस कास्टिंग क्रेम ग्लॉस कंडीशनिंग कलर बॉक्स के अंदर मुझे सबसे पहले यहाँ पर कलरेंट क्रेम मिला है। इट हैज़ नो अमोनिया इन इट। नेक्स्ट है डेवलपर क्रेम विथ नोजल सो कलर डिस्पेंस हो पाए। ऑल्सो नेक्स्ट है शाइन मास्क विथ रॉयल जेली विच लुक सो क्यूट। लास्टली वी हैव लीफलेट विथ ऑल इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विथ ग्लव्स। इम्पॉर्टेंटली डू पैच टेस्ट बिफोर यूजिंग इट। सो आपको पता चल जाएगा कुछ रिएक्शन तो नहीं होता इसका। डू नॉट यूज़ मेटल टू मिक्स इट, जस्ट यूज़ ग्लास प्लास्टिक बाउल, वो चल जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्टली से मिक्स कर रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, अगर आपके बालों की लेंथ कम है, शॉर्ट है बाल, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी ले सकते हैं। क्वांटिटी शुड बी 1 इज़ इक्वल टू 1.5। मतलब 1 पार्ट होगा कलरेंट क्रेम एंड 1.5 होगा डेवलपर क्रेम। बाकी का नेक्स्ट टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इसे रख देना है। अब इम्पॉर्टेंट टिप मैं बता दूँ, इसे लगाने से पहले जो हेयर लाइन है वहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगाना है जिससे कोई भी कलर आपकी त्वचा पर नहीं लगेगा। बिफोर अप्लाइंग इट बालों को अच्छे से गीला कर लेना है। बस इसे लगाना स्टार्ट करना है, काफ़ी आसान है। सेक्शन बाय सेक्शन इसे लगाना है। आफ्टर एप्लीकेशन 20 मिनट्स के लिए वेट करना है। अब जस्ट वॉश इट ऑफ विथ लुकवार्म वाटर। मेक श्योर नो शैम्पू यूज़। जी हाँ, ये याद रखना है, ठीक है। आफ्टर डैट यहाँ पर मैं शाइन मास्क जैसे हम कंडीशनर लगाते वैसे ही लगाते हुए इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे 2 से 3 मिनट के लिए लगा कर रखना है एंड देन जस्ट वॉश इट ऑफ विथ वाटर ओनली। तो देखिए मैं आ चुकी हूँ रिजल्ट्स के साथ। सबसे पहले बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं जिससे आपको खुद ही अंदाज़ा आ जाएगा। बाल जो है मेरे पहले से बहुत अच्छे लग रहे हैं, नो डाउट। इफ़ यू नोटिस थोड़ा सा ना ग्लॉस इफेक्ट भी है ना। बेस्ट पार्ट कि नो अमोनिया के साथ ये हेयर कलर आता है। पहले जब मैं हेयर कलर करती थी ना तो एक ख्याल आता था कि ड्राई डैमेज बाल हो जाएंगे, बट अब वो ख्याल भी नहीं रहा। एक और अच्छी बात कि घर पर 20 मिनट्स में आराम से हेयर कलर लग जाता है। मतलब वो सैलून का झंझट बिल्कुल नहीं रहा। वन मोर बेस्ट पार्ट कि 13 कलर्स आपको चूज़ करने के लिए मिल रहे हैं। सो अपने स्किन कलर के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग 13 में से जो भी शेड हमें अच्छा लगे वो चूज़ कर सकते हैं। और एक बात मैं कैसे भूल सकती हूँ, शाइन मास्क जो कि आती है रॉयल जेली के साथ और किसी और हेयर कलर में ऐसा कुछ नहीं मिलता। बेस्ट पार्ट कि इसमें वो शाइन मास्क मिलता है एंड बिकॉज ऑफ डैट ना आई नोटिस कि बालों में एक शाइन, एक लस्चर, एक सॉफ्टनेस ऐड होती है। और एक अच्छी बात, इसकी प्राइस 550 रुपये में ये मिलता है। सैलून जाओ तो हज़ारों लग जाते हैं, समय भी लग जाता है। यहाँ पर घर पर कम से कम समय में बजट में भी हो जा रहा है हेयर कलर। एंड हाँ, इसकी परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। आप डायरेक्टली वहाँ पर जाकर क्लिक करो, जो शेड आपको चाहिए वो चूज़ करो एंड स्टार्ट कलरिंग योर हेयर एट होम ओनली विथ लाइक कम से कम समय में। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है, राइट। तो कैसा लग रहा है ये न्यू कलर मेरे बालों पर, जस्ट लेट मी नो। एंड जो भी आपकी और क्वेश्चंस होंगे उन्हें भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, मैं हूँ वहाँ पर आपको आंसर देने के लिए। सो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।